नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूं आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। इस देश में बेवकूफ बनाना आसान है, मगर एक औरत को बेवकूफ बनाना और उसके खिलाफ क्राइम करना उससे भी ज्यादा आसान है। एक बेतुकी सी कहावत है, औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। काश काश औरतें सच में अपने दिल की हर बात बोल पाती। औरतों को अक्सर अपने दर्द अपनी तकलीफों को दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। सुकून की दवा खामोशी हो सकती है, लेकिन दर्द भरी चुप्पी स्लो पॉइजन की तरह होती जो तिल तिल करके आपको मारती है। सोचिए कितनी घुटन भरी होगी ऐसी जिंदगी। औरतों से अक्सर कहा जाता है चुप रहो, 19 पीस तो होता रहता है। अरे सब एडजस्ट करते हैं, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो। किसी को नहीं मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ है, थोड़ा सहलोगी तो क्या चला जाएगा। ये कहानी एक लड़की स्वाति की है, जो एक दिल दहलाने वाले जुर्म का सामना करने वाली थी, जिसके जहन में यही सवाल आने वाले थे कि वो चुप रहे या आवाज उठाए। बात इतनी भी छोटी नहीं थी माँ, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ नहीं दिया। आप एक बार कहती कि रुक जा बेटा, सिर्फ 3 शब्द माँ। हाँ बेटा, उस वक्त नहीं रोक पाई, लेकिन अब कह रही हो ना, वापस आ जा बेटा। इन 3 शब्दों में ही मेरा पश्चाताप है। अपने पापा के गुस्से से मुझे आजाद करवा दे बेटा, आजाद करवा दे। Hi Swati. Hi, I'm ready sir. Perfect, but the shot is not ready yet. एक काम करते हैं, तब तक scene rehearse कर लेते हैं। Okay, माँ, मैं आपको बाद में phone करती हूँ, bye. तुमने मुझे समझ क्या रखा यार? मुझे film में chance देके तुम मुझ पे chance मारोगे? मुझसे उलझ के अपना career बर्बाद कर रही हो तुम? Oh. तो तुम लड़कियों को एक्सप्लॉइट करके उनका करियर बनाते हो, राइट? स्वाति, क्या कर रही हो तुम ये? सर, I'm sorry, मैं थोड़ा सा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो उनको? कुणाल, यू हैव नो आईडिया अभी इसने क्या किया अंदर। मैं बात कर रहा हूँ ना। सर, I'm sorry, मैं थोड़ा देर तक अपना काम करो, जाओ। कुणाल, तुम उस कमीने को डिफेंड कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है उसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की? स्वाति, मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। लेकिन इस इंडस्ट्री में तो सारे मगरमच्छ भरे पड़े हैं ना, जिसको देखो वो निगलने को ही तैयार है। रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। तुम्हें उस मैथ्यू की फिल्म नहीं करनी है, मत करो। मेरे पास एक दूसरा ऑफर है तुम्हारे लिए। कौन सा ऑफर? बंटी, मुझे कन्विंस करने के लिए इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। आई नो वॉट यू वॉन्ट। तो क्या कर रही है ये? कुछ नहीं, बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उसे अपना टशन दिखा रही थी। तुझे आइडिया भी है वो तेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, इसको वायरल कर सकता है, तुमको ब्लैकमेल कर सकता है और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देख, इंडस्ट्री में छाने के लिए इंसान को कभी कभी वायरल होना पड़ता है। तू वो सब छोड़, तू ये बता तेरा आज का शूट कैसा रहा? शूट का तो तू नाम ही मत ले। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है ना कि सब कुछ छोड़ के ना मैं कहीं दूर ही भाग जाऊं। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? जिस पे भरोसा करो वो ही धोखा देता है। इस दुनिया में भरोसे नाम की चीज ही नहीं है। क्या हो गया, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया क्या तेरा? स्वाति, देखो तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। किनार, प्लीज यहाँ पे ना तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है यार। तू लेट हो रहा तो मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें। तुम इधर आओ।
तुम्हें जो कहना ना गाड़ी में बैठ के कहना। आज स्वाति देखो अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, नाराज हो के मत जाओ। आई एम सॉरी, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, प्लीज प्लीज आज बैठ जाओ, प्लीज आओ ना बैठ। हेलो मैडम, लास्ट स्टॉप आ गया। अरे मैडम, अरे ओ मैडम, कौन हो तुम? मैं कंडक्टर, मुंबई आ गया, चलो उतरो। मैं यहाँ कैसे आई? मेरा सामान किधर है? हाँ मेरा फोन? वो तो आपको पता होना चाहिए ना, और वैसे भी नशे में आप धुत पड़ी हुई थी। Hey, shut up! क्या बकवास कर रहे हो? मेरा सामान तुमने ही गायब किया, मेरा सामान वापस दो मुझे। अरे चोर समझा है क्या? हाँ हमने है ना किसी के सामान संभालने की गारंटी नहीं ली है। चलो चलो निकलो यहाँ पे, चलो। Help! Help! अरे अरे मैडम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे मैडम, छोड़ो मुझे, सामान वापिस कर। सर, इन लोगों ने मेरे सारा सामान गायब कर दिया, मेरा फोन, मेरा पर्स और मेरे कपड़े देखिए, इन लोगों ने कुछ गलत किया होगा। सभी लड़की होश में नहीं है, पता नहीं फालतू की बकवास कर रही है। एक मिनट, अच्छा कहाँ रहती हो तुम? सर गोरेगांव में। इस बस में कहाँ से आ रही हो? मैं औरंगाबाद जा रही थी सर। देखा साहब, ये बस अभी नासिक से मुंबई आई है, कह रही थी औरंगाबाद जा रही थी। साहब ये होश में ही नहीं लड़की। तुम तो होश में हो ना, तो तुम ये बता दो कहाँ से चढ़ाया था इसको बस में। हाँ साहब बताता हूँ, वो कल रात को नासिक से चढ़ा था इसको, और इसके साथ इसका पति भी था। पहले तो मुझे लगा कि ये दोनों टल्ली हैं, फिर बाद में इसके पति ने बताया कि ये बीमार है। फिर इसका पति कब उतरा, कब कहाँ चला गया, मेरे को नहीं मालूम साहब। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो शादी तक नहीं हुई अभी। गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर, कह रही है शादी नहीं हुई है। सर मेरे गले में सोने की चेन थी, ये मंगलसूत्र नहीं था सर। ये झूठ बोल रहे हैं सर, इसमें भी इसी की चालाकी होगी सर। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है हम डिसाइड करेंगे। कमले इस बस के कंडक्टर और ड्राइवर का नाम पता नंबर लिखो, और बाकी पैसेंजर से बात करो जो नासिक से मुंबई आए इस बस में। आप चिंता मत करिए, आप हमारे साथ चलिए, ले चलो इन्हें। चलो हम मान लेते हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे थे कि आप मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे, तो फिर आप नासिक से मुंबई आने वाली बस में कैसे पहुंच गए? सर वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस बस में कैसे पहुंची। आप औरंगाबाद किस काम से जा रहे थे ये भी याद नहीं है? आप औरंगाबाद जाने के लिए घर से कब निकली थी ये याद है आपको? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर? आज 2 जनवरी है मैडम। आज 2 जनवरी है? जी हाँ। और इस दौरान आप कहाँ थी, किसके साथ थी, आपको कुछ भी याद नहीं? मैं होश में नहीं थी सर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ थी। आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं, आप घर जाइए, आराम से सोचिए, और अगर आपको कुछ भी याद आता है तो हमें तुरंत आकर बताएं। स्वाति तू कहाँ थी 3 दिन से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, एक मिनट कुछ बोल क्यों नहीं रही है? और ये क्या है, ये सिंदूर मंगलसूत्र कोई बहुरानी का रोल मिला है क्या?
अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अभी भी किरदार में है क्या स्वाति? गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर, कह रही है शादी नहीं हुई है। अरे झूठी नंबर की, एक नंबर की झूठी है। आपका रेप हुआ है? किसने किया? वो मुझे याद नहीं है सर, पर मुझे इतना पता है कि मैं 31 दिसंबर को औरंगाबाद एक इवेंट के लिए जा रही थी और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो 31 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में ही हुआ। ये इवेंट औरंगाबाद में कहाँ था और क्या इवेंट था? सर वो मुझे याद नहीं है सर, पर मुझे कुछ दिन पहले किसी का कॉल आया था। उस कॉलर ने मुझे ये बोला कि वो लोग औरंगाबाद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके लिए वो मुझे हायर करना चाहते हैं। ये कॉल किसने किया था? सर मुझे याद नहीं है सर, बस मुझे इतना पता है कि उस कॉलर ने मुझे ये बोला था कि किसी जानने वाले ने मेरा नाम रिकमेंड किया है उसको। किस जानने वाले ने? सर मुझे याद नहीं है सर, मुझे ना सर उस बस ड्राइवर और कंडक्टर पे शक है और ऊपर से वो मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रहे कि मैं मैरिड हूँ। आप रोइए मत, हम अभी अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमें आपका मेडिकल करवाना होगा। सर स्वाति का मेडिकल हो गया, उसके ब्लड में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले जो उसको 4-5 दिन पहले दिए गए होंगे। उसकी बॉडी पे कहीं कहीं खरोच के निशान भी हैं सर, हालांकि रिपोर्ट रेप कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। रेप के काफ़ी टाइम बाद मेडिकल करवाया गया, इसलिए शायद रेप कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन लड़की के ब्लड में सेडेटिव के ट्रेसेस, बदन पे खरोचों के निशान, तो मुमकिन है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई होगी। उस बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को हाजिर करो और स्वाति के कॉल डिटेल्स भी निकलो, उससे पता चलेगा कि उसका फ़ोन कहाँ बंद हुआ और वो कॉलर कौन था जिसने औरंगाबाद के इवेंट के लिए उसको कॉल किया था। ओके सर, एकदम आपकी पसंद का लुक है सर, टैलेंटेड भी है। एक चांस चाहिए सर बस, और सर दूसरी बात, आप चांस मारोगे ना तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी सर। परफेक्ट, बुलाओ इसे स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो तुम दोनों बोल रहे हो कि उस रात उस लड़की के साथ उसका पति भी बस में था? हाँ सर। उस लड़की का कोई पति है ही नहीं, उसकी शादी नहीं है। झूठ बोल रहे हो? बोलो, तुम दोनों ने उस लड़की का रेप किया ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे साहब, उस रात उसका पति बस में चढ़ा था उसके साथ। चलो मान लिया तुम लोग सच बोल रहे हो, अब ये बताओ उस लड़की के साथ उस रात जो आदमी था वो दिखता कैसा था? जब वो रात को चढ़ता था बस में तब काफ़ी अंधेरा था और उसने काला कलर का चश्मा भी पहना था और हाँ उस आदमी की दाढ़ी भी थी। अगर हमें पता चला कि तुम दोनों ने झूठ बोला था या कुछ भी छुपाया था तो दोबारा बस चलाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो मैं ना जाऊंगी, मैं तुझे बताऊंगी ठीक है? Yes. तो 8 बजे की सुबह क्लासेस है तुझे पता है? काव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके बाय, मैं जाती हूँ। यस सर। काव्या तुमने उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया? एक्चुअली सर आप जानते हैं एक्सीडेंट में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। आई नो काव्या, पर देखो जो हो गया उसे भुलाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। सर अब मैं अपना फ्यूचर नहीं देख सकती, अब सिर्फ प्रेजेंट ही देख सकती,
और मेरी आई मेरी एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकती और मैं उनको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती हूँ सर। इनफैक्ट अब तो मुझे उनके सर्वाइवल के लिए कोई जॉब करनी पड़ेगी। कैसी जॉब? सर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, पर हाँ मेरे बाबा की ऑटो है तो मैं सोच रही थी कि ऑटो ही चला लेती हूँ। क्या तुम ऑटो चलाओगी? देख सरला, ये ऑटो बेच के ना काबे की शादी करा दे, कम से कम बेटी की शादी से तो छुटकारा मिलेगा। अरे शादी तो करा दूं पर कोई अच्छा लड़का तो मिले। अरे मेरा भांजा है ना सुरेश, मंडी में सब्जी की दुकान लगाता है और वो काबा को पसंद भी करता है। पसंद नहीं करता आंटी, हमेशा घूरता रहता है। टेंथ के आगे तो पढ़ाई इसने की नहीं और अभी से ही नशा शुरू कर दिया। इसके तेवर देख के लगता है हाथ से निकल जाएगी, संभाल लो इसको। हाँ आप अपना देखो। इतना मुंहफट होना अच्छा नहीं होता। चल अंदर, इसे भी लेती है। चल। पहले आपने कहा था कि आप बस में थी पर अभी आप कह रही हैं कि आप कार में थी। हाँ सर, 31 दिसंबर को मैं कार में थी और फिर उसी कार में किसी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जिसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। तो आप किसकी कार में थी? सर ये मुझे याद नहीं है पर मैं उसी कार से औरंगाबाद जा रही थी। 31 दिसंबर को, राइट? तो 31 दिसंबर को कार से आप औरंगाबाद गई और आपको जब होश आया तब आप बस में थी 2 जनवरी को, यही कहना चाहती हूँ? हाँ सर, 31 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में मेरे साथ ये सब हुआ और शायद कई बार हुआ है सर। तो आपने इस बारे में अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? सर आई नो आपने बताया था कि आप यहाँ पर अकेली रहती हैं पर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स वो कहाँ हैं? सर मेरी फैमिली पुणे में रहती है, मैं उन लोगों को ये सब नहीं बता सकती सर। और आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा वरना मेरी मम्मी। मेरा ही कस्टमर था यार। रामनगर चलिएगा, मिट चुके आप, बैठ जाइए। ये जब से आई है अपना धंधा ही बैठ गया है। ये हम मर्दों से बराबरी करने चली है, लगता है इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। कौन है ये? तुम ही हो ना? और तुम्हारे साथ ये कौन है? स्वाति। और हमने सुना है कि स्वाति के सिर्फ दोस्त ही नहीं कोऑर्डिनेटर भी हो। हाँ सर, पर आप कहना क्या चाह रहे हो सर? औरंगाबाद में जो इवेंट हुआ था वो काम तुमने दिलवाया था उसे? औरंगाबाद नहीं सर, वो ऑफर तो उसे सामने से आया था सर, खुद से। तो हो सकता है उस इवेंट के लिए तुमने किसी को उसका नाम रिकमेंड किया। आप साफ साफ बताइए सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? स्वाति का रेप हुआ है। रेप? हाँ रेप। और स्वाति का कहना है कि उसे कार में ले जाया गया था और फुटेज में साफ दिख रहा है वो कार में तेरे साथ गई थी। सर गई जरूर थी पर मैंने उसे SJ रोड पर ड्रॉप कर दिया था सर। सर मैं उसे वहां छोड़ के चला गया था क्योंकि वहां पे इवेंट वालों की कार आने वाली थी उसे पिकअप करने के लिए। सर उसने मुझे खुद बताया था सर कि उसका इवेंट औरंगाबाद में, पर औरंगाबाद में कहां है, कौन करवा रहा है सर, ये सब नहीं बताया था उसने मुझे। तो तुझे क्या लगता है स्वाति को इस तरह किसने ट्रैप किया होगा? सर मैथ्यू। कौन मैथ्यू? सर एक फिल्म डायरेक्टर है सर मैथ्यू। स्वाति का कुछ दिन पहले उसे झगड़ा हो गया था सर और उसने उसकी फिल्म छोड़ दी थी, तो सर मैथ्यू को बहुत नुकसान हुआ था सर इस वजह से। सर मैथ्यू मुझे he wanted to sleep with me. सर यही वो जगह है सर जहां मैंने स्वाति को ड्रॉप किया था 31 दिसंबर की शाम को। कुणाल ने जब आपको SJ रोड पर ड्रॉप किया वहां से औरंगाबाद के लिए आपको एक दूसरी कार पिकअप करने के लिए आने वाली थी, राइट? तो उस कार के बारे में आपको कुछ तो याद होगा, कार का रंग, मॉडल, कलर, कुछ भी याद करिए। सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सर वो लड़की बहुत बड़ी झूठी है, मैंने उसके टैलेंट की कद्र करके उसको अपनी फिल्म में ब्रेक दिया और उसने मुझे। उसने मुझे क्या? स्वाति का तो कहना है कि तुमने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। सरासर झूठ बोल रही हो, बल्कि उल्टा उसने मुझे मेरे ही सेट पे बदनाम करने की कोशिश की। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे फिल्म में चांस देके तुम मुझ पे चांस मारोगे?
और अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो उसी वक्त मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अब वो कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है। तो इस रेप में तुम्हारा क्या रोल है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी इंडस्ट्री की इस तरह की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ सर। हो सकता है ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो उसका, मीडिया में हाइप लेके कल तक की स्ट्रगलिंग एक्टर रातों रात फेमस होना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ स्टार। यार बहुत सवारियां घुमा रही हैं, सवारी घुमाने के बहाने धंधा तो नहीं कर रही? बकवास बंद कर अपनी। क्या रे, बहुत मर्द जैसा बनने का शौक है ना तुझे, तो मर्द जैसे छाती फुला के दिखाना। छोड़, छोड़। मैथ्यू की बात पे भरोसा नहीं कर सकते सर, लेकिन एक बात है सर, इस स्वाति को कुछ भी याद ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर ये स्वाति हमसे अपनी शादीशुदा होने का सच छुपा रही है, इसका पति भी हो और वो इसको बस में छोड़ के गया। स्वाति की बातें अटपटी जरूर है, पर मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। अगर अगर वो झूठ बोल भी रही है तो हमारा फर्ज है पता लगाना कि सच क्या है। कई बार दूसरों को अपने सच पर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है और कानून की दहलीज पर सबूत ही सच का प्रमाण होते हैं। स्वाति कितनी भी सच्ची हो पर कानून मजबूर था, और यही बात स्वाति के दिल को कचोट रही थी कि कानूनी प्रावधानों में कितने भी बदलाव हो जाएं, पर एक रेप विक्टिम के लिए अपने दोषियों को गुनहगार साबित करना बहुत मुश्किल काम था। पर उसकी कोशिशों का ये असर था कि पुलिस उसे एक और मौका दे रही थी, वो पोटेंशियल सस्पेक्ट से पूछताछ कर रही थी, इस केस की कड़ियां भी जोड़ने की कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन स्वाति का सच अब तक उनके लिए अंधकार में था। और ये आपके पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स, आपके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुंबई से निकलते ही आपका फोन कल्याण में बंद हो गया। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर हैं सभी एक्टिव हैं, ज़्यादातर नंबर फिल्मी लोगों के हैं। इन सारे नंबर्स को आप ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा नंबर है जिसके लिए आपको इवेंट का फ़ोन आया था। और ये फोटोग्राफ्स, इनको भी गौर से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कोई आपको उस इवेंट में मिला था या कोई ऐसा जो उस दिन आपको कार में पिक करने आया था। कौन है लड़का स्वाति? इस लड़के ने आपका रेप किया था, और इसका नंबर तो पुणे का है, और इसने आपको 4 महीने पहले कॉल किया था, और औरंगाबाद में जो इवेंट था उसके लिए आपको कॉल दिसंबर में आया था। बोलो स्वाति, क्या इस लड़के ने आपको औरंगाबाद बुलाया था? नहीं सर, इस लड़के ने 2 साल पहले मेरा 2 साल पहले भी आपका रेप हुआ था? जब मैं पुणे में रहती थी तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ तो मुझे परेशान करता था ये सब। तो तब आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? सर, हिम्मत नहीं थी मेरे पास, और मेरे पापा पुलिस में जाके बदनामी करनी है क्या हमारी? हैं? अर्जुन के साथ शादी कर ले, अपना घर बसा ले, हमारे घर की बात घर में रह जाएगी। और इन सब के बावजूद भी मेरे पापा ने अर्जुन के घर वालों से पैसे लेके मेरी शादी उनसे जोड़ दी। मैं वहां से भाग आई और यहाँ पर आकर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर आके अपना नंबर भी चेंज करवा लिया, पर पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसका 4 महीने पहले मेरे पास कॉल भी आया था। कैसी हो स्वाति? कौन? तू मेरी आवाज भी भूल गई? मैं अर्जुन। कहाँ हो तुम? मैंने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया था सर, और उसके बाद उसने कॉल करना भी बंद कर दिया। तो आपको नहीं लगता हो सकता है इसी ने आपको किसी दूसरे नंबर से ट्रैप किया? अपने कॉल रिकॉर्ड्स को आप एक बार गौर से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से वो नंबर कौन सा है जिससे आपको औरंगाबाद के उस इवेंट के लिए कॉल किया गया। सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा नंबर था। अच्छा ठीक, आप जब भी किसी इवेंट में परफॉर्म करने जाती हैं तो उसकी कुछ डील होती होगी, कुछ पैसों की बात हुई होगी, हो सकता है आपको कुछ एडवांस भी मिला। अच्छा ठीक है, आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए, हम देखते हैं शायद ट्रांजैक्शन से कुछ पता चले। चलो ऑटो, ऑटो ऑटो।
इस लड़की के पास कोई आईडी नहीं है, कोई लीड नहीं जिसे इसकी पहचान हो सके। केवल हाथ पे एक माँ का टैटू है। पटेल, काम करो, सभी पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। चंदन सिंह जी, सर स्वाति खुद फिल्मों में काम करने के लिए ये घर छोड़कर भाग गई थी, और वो कुछ भी बोल रही है, कोई रेप वेप नहीं हुआ उसका। सर स्वाति का कहना है कि इस अर्जुन ने 2 साल पहले उसका रेप किया था, और आप अर्जुन को डिफेंड कर रहे हैं। सर मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, पर रही बात स्वाति की तो हम उससे अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। बस बहुत हो गया, अब तक मैं चुपचाप बैठी थी लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। हाँ साहब, मेरे पति और अर्जुन ने मिलकर मेरी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज इनकी वजह से मैं अपनी बच्ची की शक्ल देखने के लिए तरस गई हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दीजिए, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। सर, ये रिपोर्ट अभी अभी शांतिनगर पुलिस स्टेशन से आई है। वहां किसी सरला नाम की औरत ने अपनी बेटी काव्या के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई है। उसने भी डिटेल्स में ऐसी टैटू का जिक्र किया है जैसे हमें लाश पे मिला था। मानता हूं कि स्वाति को बीवी बनाना चाहता था, लेकिन उसका कभी रेप नहीं किया मैंने। सर बकवास बंद कर, हमें सब पता है। 2 साल से तो उसे ढूंढ रहा था, 4 महीने पहले तूने उसे कॉल भी किया था। जब उसने तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दिया तो तूने उसे दूसरे तरीके से ट्रैप किया, इवेंट का झांसा देकर। ना मैं कोई इवेंट करता हूँ, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ऐसा कुछ किया है? सबूत चाहिए तो स्वाति का स्टेटमेंट ही काफी है तेरा मुंह खुलवाने के लिए। अच्छी तरह से तोड़ो से, जब तक मुंह ना खुले तोड़ो से। सर मैं सर तुम सर स्वाति तू ठीक है? स्वाति, स्वाति, मम्मी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आपकी बेटी को जिस बेरहमी से मारा गया है, ऐसे लगता है किसी की कोई खास खुन्नस रही होगी उससे। आपको किसी पे शक? काव्या कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। उस दिन भी जब वो ऑटो लेकर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो। काव्या, काव्या, क्या हुआ तुझे? अरे आ आ बैठ यहाँ पे। अरे मुझे सुरेश पर शक है। कौन सुरेश? मेरी पड़ोसन पूनम का भांजा है। मुझसे पूछे बगैर ही उसने काव्या की शादी की बात उसके साथ चला दी थी। उसके बाद वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। मुझे पूरा यकीन है ये सब सुरेश ने किया है। कमरा कैसा था? किसी होटल का कमरा था, लॉज का था, या किसी घर का कमरा था? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस कमरे की एक वॉल पे बुल्स हेड लगा हुआ था। किस कलर का? शायद सिल्वर कलर। अच्छा, आपने बताया कि आप औरंगाबाद में न्यू ईयर के किसी इवेंट में परफॉर्म करने गई थी, राइट? जी सर। और हमने पता किया वहाँ जितने भी इवेंट्स हुए थे आपने किसी इवेंट में परफॉर्म नहीं किया। देखिए, हमने आपकी बैंक ट्रांजैक्शन भी चेक की, 30 दिसंबर को आपके अकाउंट में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे। याद करने की कोशिश कीजिए वो किसने किए होंगे। सर हो सकता है वो इवेंट वाले लोगों ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हों एडवांस के लिए। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं मानता हूँ मैं काव्या से शादी करना चाहता था, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं, मैं तो उससे प्यार करता था साहब। उसने तेरा पैर ठुकरा दिया और तूने उस पर खुन्नस निकाली? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। जब तक सच नहीं बोले कूटो इसको।
नहीं साहब, नहीं। सर स्वाति के बैंक अकाउंट में वो 30,000 प्रकाश दड़वी नाम के इस आदमी के अकाउंट से भेजे गए थे। इस प्रकाश दड़वी की डिटेल्स निकाली मैंने। इसकी बैंक में जो एड्रेस है वहाँ पे प्रकाश दड़वी नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं। इसकी आईडी भी फेक निकली। मुझे तो लगता है सर ये आदमी ही फेक है। इस प्रकाश दड़वी का एक नंबर स्वाति के CDR में भी मिला था सर, क्योंकि ये नंबर एक्टिव था इसलिए मैं डाउट नहीं हुआ। लेकिन अब ये नंबर बंद आ रहा है और ये नंबर भी फेक आईडी पे लिया गया था। सर काव्य ने तो हमको चौंका ही दिया। इतना बोल्ड स्टेप। ऑटो चलाने लगी थी वो, पर बहुत हार्ड वर्किंग थी वो। ऑटो चलाने के साथ साथ पढ़ भी रही थी। उसका किसी के साथ कोई अफेयर? आई डोंट नो आपको बताना चाहिए या नहीं, पर हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके और रमन सर के बीच उनका अफेयर था। पाटिल। हाँ साहब। पता करो क्या ये सभी लड़कियां रमन के कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं? और ये लो इस पेंड्रा में क्या है वो भी चेक करो। मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। इस काव्य के मौत के पीछे इसी रमन का हाथ है, तभी वो गायब है। हो सकता है सर। नहीं सर, मैं किसी प्रकाश दलवी को नहीं जानती। याद करी, क्योंकि हो सकता है उस दिन कार में आपके साथ ये प्रकाश दलवी ही हो। मुझे नहीं पता सर, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो स्वाति याद करिए, जब तक आपको कुछ याद नहीं आएगा हम क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचेंगे। स्वाति की कोशिशें अब ना उम्मीद हो रही थी। उसका परिवार, उसके दोस्त, अब कोई उसके साथ नहीं था। और वही काव्या का संघर्ष एक घिनौने अपराध की भेंट चढ़ चुका था। उसका दोष क्या था? अपने परिवार को चलाने के लिए उसने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जिसपे मर्दों को लगता है कि उनका स्टैंप लगा है। लेकिन उसने एक अनूठे काम को चुना जहां उसे शाबाशी मिलनी चाहिए थी, हौसला अफजाही मिलनी चाहिए थी। वो मेल ऑटो ड्राइवर्स की गंदी सोच का शिकार बनी, अपने दोस्तों की हंसी का पात्र बनी, और उसको जो अंजाम मिला वो एक क्रूर अपराध का अंदेशा दे रहा था। आखिर उसको ये अंजाम किसने दिया होगा? अजीब बात है सर, प्रकाश दड़वी के अकाउंट से 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 30,000 स्वाति के अकाउंट में और 40,000 शर्मिला शिंदे के अकाउंट में। और ये शर्मिला औरंगाबाद में रहती है। औरंगाबाद? सर रमन के रेंट एग्रीमेंट पे यही नेटिव एड्रेस लिखा था। कुछ नहीं किया सर, सर प्लीज सर। तू एक विकृत मानसिकता वाला है, लाचार और कमजोर फीमेल स्टूडेंट्स को फंसाकर उनके वीडियोस बनाता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। पारुल के साथ भी यही किया था ना तूने, और काव्य के साथ भी? नहीं सर, मैंने काव्य के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोलता है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट कॉल तेरा ही था। हाँ सर, काव्य ने मुझे कॉल किया था, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। क्या बात हुई थी काव्य से? काव्य, आई नो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हो। काव्य बहुत कैपेबिलिटीज है तुम्हारे अंदर। अब फिर देखो, अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो तुम्हें ऑटो भी नहीं चलाना पड़ेगा। थैंक यू सर, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। सर वो विंडशॉट कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी जो आनंद नगर एरिया में पड़ता है। आप चाहें तो सर वहां जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। सर सर मैंने काव्य के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। कुछ नहीं किया तो गायब क्यों हुआ था? सर मैं अपने गाँव गया था किसी काम से, वहां सर मुझे न्यूज मिली कि काव्य का मर्डर हो गया। सर मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि सर पूरे कॉलेज में ये रूमर थी कि मेरा और काव्या का अफेयर है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सर इसीलिए मैं वापस नहीं गया। शर्मिला को बुलाओ। शर्मिला मैम तो विदेश रहती हैं साहब। प्रकाश दलवी को जानते हो जिसने शर्मिला के अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए थे? साहब वो तो बंगले का रेंट था 2 दिन का। कैसा रेंट?
ये बंगला शूटिंग पे देते हैं रेंट पे। दो दिन की शूटिंग थी एक वेब सीरीज की, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। 31 दिसंबर को यहाँ पे शूटिंग हुई थी, उसमें ये लड़की थी? नहीं साहब, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मुझे अंदर जाने की परमिशन भी नहीं थी साहब। कमरे की एक वॉल पे बुल्स हेड लगा हुआ था। बंगला किसने बुक किया था? नाम क्या है? सर, आरकेएस नाम का प्रोडक्शन था। उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में और शूटिंग कर ली साहब, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। पूरा बंगला सर्च कर, पता लगाओ मुंबई में ये आरकेएस प्रोडक्शंस कहाँ पर। ओके सर। क्या है ना कि हमारे पास ही के गांव में हम लोग एक पुलिस पोस्ट ओपन कर रहे हैं, वहाँ हमारे DIG साहब आने वाले, तो हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सर, अंदर डस्टबिन से एक कॉफी शॉप का बिल मिला है, मुंबई का एड्रेस है और डेट 23 दिसंबर। हाँ सर, मुझे अच्छे से याद है काव्या, बहुत ही ब्रिलियंट लड़की, इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिया था उसने। सर, वो तो इंडक्शन के लिए महाबलेश्वर जाने वाली थी, हमने तो ऑफिस से कार भी अरेंज की थी उसके लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, बोले कि किसी और के साथ जाएगी। कौन था वो? सॉरी सर, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। सर, कैफे के बिल पे 30 दिसंबर का 11:40 का टाइम था, और इस दौरान की फुटेज में कैफे में ये सारे लोग अंदर जाते दिखे। ये देखिए, स्वाति को बुलाओ। सर, यही वो दोनों लड़के जो मुझे औरंगाबाद लेके जा रहे थे सर। मतलब आपका रेप इन दोनों ने किया था? इस ऑटो वाले का पता लगाओ, और पता लगाओ ये दोनों लड़के कौन है, और इनके फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करो, और ये भी पता लगाओ इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। फास्ट। ओके सर। सर, पुणे पुलिस ने इस आदमी का फोटो आइडेंटिफाई किया है। ये आदमी काव्या नाम की एक लड़की के रेप और मर्डर केस में सस्पेक्ट है। काव्या की बॉडी में सेम सेडेटिव्स मिले जो स्वाति की बॉडी में मिले। ये लीजिए, काव्या की लास्ट विजिट इसी ऑफिस में हुई थी, और मुकेश ने इसकी इंटरव्यू भी ली थी। पिछले कई दिनों काव्या जैसी कई लड़कियों ने यहां पर इंटरव्यू दिया था। हम काव्या के केस के बारे में जब इस ऑफिस में पूछताछ करने के लिए गए, तो दूसरे दिन वो ऑफिस बंद करके भाग गए। बाद में पता चला कि इस नाम की कोई प्लेसमेंट एजेंसी थी ही नहीं। सो बेसिकली उन्होंने काव्या को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया, रेप किया, और उसके बाद काव्या का मर्डर कर दिया गया। हमारे केस में भी स्वाति को एक इवेंट में बुलाया गया, उसका रेप किया गया, और स्वाति का मर्डर नहीं किया गया। मॉडस ऑपरेंडी सेम है, पर स्वाति को जिंदा छोड़ा गया। स्वाति को जिंदा क्यों छोड़ा गया? ये देखिए, आप इनमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, सब काफी टैलेंटेड हैं। सर, आओ अंदर। सर, ये वही ऑटो वाला है जिसके ऑटो में वो दोनों रेपिस्ट बैठे थे। बोलो। सर, अब बहुत दिन पहले बिठाए थे तो याद नहीं है कि कहाँ से बिठाए थे। हाँ, लेकिन उनको बैंड्रा स्टेशन छोड़े थे सब। वो कैफे दहसर में कहीं है, याद करो तुमने उन दोनों को दहसर में कहीं से बिठाया होगा। हाँ साहब, वो दहसर चेकनाका के पास से उठाया था उनको, और हाँ, मलाड में रुके थे एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान में वो दोनों।
106 नंबर है सर, और ये नंबर भी है जो स्वाति का सीडीआर में मिला था, ये वाला। तो उसने ये नंबर भी रिचार्ज करवाया होगा, पर ये नंबर तो काफी टाइम से बंद है। प्रकाश दलवी का ये नंबर भले ही बंद हो, लेकिन बाकी के सारे नंबर चेक करो, हो सकता है कोई सस्पिशियस नंबर मिले जो प्रकाश दलवी की तरह फेक आईडी से खरीदा गया हो। चल शुरू हो जा। मेरा नाम सुब्रत है, मैं एक इवेंट मैनेजर हूं। सर मैं मुकेश, बी ग्रेड फिल्मों में लाइन प्रोड्यूसर का काम करता हूं। प्रोडक्शन कंपनी के आड़ में कॉल गर्ल सप्लाई करता हूं। लड़कियां कहां से मिलती हैं तुम लोगों को? इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाली कुछ लड़कियां पैसों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती। और तू तो क्या करता है? सर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। और सर मैं फोटोग्राफर हूँ। अब ये बताओ कि तुम लोग ये सब करते कैसे हो? सर जब हम लोग बी ग्रेड फिल्मों की लड़कियों का फोटोशूट करते हैं तभी लड़कियाँ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनका MMS बना के उनसे काम करवाते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और स्वाति के साथ भी तुम लोगों ने यही किया था ना? सर उस दिन हम लोगों ने स्वाति को वहां से पिकअप किया। वहां से हम उसे नासिक ले गए। उसके बाद कमलेश ने गेटअप चेंज किया, उसका पति बन गया। इनको क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। सर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पुलिस के पास चली जाएगी। पहले कोई गई नहीं थी साहब, नहीं तो क्या? उसे भी मार देते। काव्या की तरह काव्या बहुत शानी निकली। उस दिन हमने उसे इंटरव्यू के बहाने बुलाया और उसके साथ भी वही सब कुछ किया, लेकिन नशे की दवा देने के बावजूद भी वो जल्दी उड़ गई। सर हम लोग ने उसे पैसा ऑफर किया, उसका वीडियो वायरल करने का धमकी भी दिया। नहीं चाहिए तेरा पैसा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको ना जेल तक पहुंचाऊंगी, मैं देख लेना। लेकिन वो मानी नहीं साहब, वो हमारे पीछे ही पड़ गई। तो इंडिया में वीडियोस बनाना और उसे बेचना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे गिरोह ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो अपने मनोरंजन के लिए ऐसे बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि किसी मजबूर की तकलीफ घटिया मनोरंजन के लिए बिक रही है? ऐसे अपराधी हमारे आसपास हैं पर हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे विक्टिम्स हमारे आसपास हैं पर हम उन्हें हौसला नहीं दे रहे। अब हौसला खुद दिखाना होगा स्वाति की तरह, इसलिए चुप मत रहिए, बोलिए, क्योंकि आपकी चुप्पी अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। कोई आपके सम्मान पर उंगली उठाए उसे सजा जरूर दिलाएं। अपने इंसाफ के लिए निडर होकर आवाज उठाएं, क्योंकि आज आपकी चुप्पी मतलब 10 और की बलि, बस अब औरत और नहीं सहेगी। तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी फिर नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।